हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते प्रणाम सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों आप हम बात करेंगे क्यू एंड ए सेशन के बारे में, मतलब आपके क्वेश्चनों को मैं लूंगा और उनका आंसर दूंगा जो भी आम और खास आदमी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों मेरे देखने में यह है कि लोग मुझे ज्यादातर लोन के बारे में कमेंट करते हैं और लोन के बारे में ही क्वेश्चन पूछते हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप मेरे से किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि पिछले 23 साल से 23 ईयर से मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूं। आपने सारे देश में किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी लेनी है, बेचनी है, किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया है या आपको फ्रॉड होने से बचना है, किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और लोन के बारे में, रिकवरी एजेंट के बारे में तो लोग ऑलरेडी मेरे से पूछ ही रहे हैं, और भी कुछ इसके अलावा आपको जानकारी लेनी हो तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस से, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड या जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी किसी तरह की भी आपके पास समस्या आ रही है तो आप मेरे से वो सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी कोर्ट कचहरी, कोई भी कानूनी सलाह आप लेना चाहते हैं तो मेरे से कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। तो दोस्तों ज्यादा समय खराब ना करते हुए आज का क्यू एंड ए स्टार्ट करते हैं। ये है जी पद्मा जी का, 11 घंटे पहले आया है। होप द सुप्रीम कोर्ट इशू स्ट्रिक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द रिकवरी एजेंट, दे आर हॉस्टिंग वेरी बैडली फॉर पेमेंट। के सुप्रीम कोर्ट, मान्य सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ जाएगा शायद, होपफुली के इन रिकवरी एजेंटों के ऊपर रोक लगाई जाए। ये है जी बप्पा बर्मन, सही है रिकवरी एजेंट डॉग्स को रोकने का कोई तरीका नहीं है, मुझे तो मारने का धमकी दिया है। ये शायद साउथ से है मेरे ख्याल, ये उधर से होंगे कलकत्ता साइड से, इनको हिंदी पूरी नहीं लिखनी आ रही, मुझे मारने की लिखना था तो का लिख दिया इन्होंने, मुझे मारने का धमकी दिया है, मेरे डैड को गाली दिया, मेरे मोहल्ले में आके मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोला जा रहा है, पुलिस कंप्लेंट तो किए थे तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं आपका लोन है आप ही समझो, मैं तो करता है कि सुसाइड कर लूं। देखो बापा जी बात ऐसे है, सुसाइड किसी समस्या का समाधान नहीं है। रही बात आपके फादर को इन्होंने गालियां दी हैं, आपके मोहल्ले में आके आपकी बेइज्जती की है, आप पुलिस स्टेशन में गए हो जैसा कि आपने लिखा है, पुलिस वालों ने आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी और आपको बोल दिया कि आपका लोन है आप ही समझोगे, तो आप इसकी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं अपनी जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहां की पुलिस की साइट पे जाके आप इनकी ऑनलाइन कंप्लेंट भी 54 छाप रिकवरी एजेंटों की कर सकते हैं, आपको इनसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। एक अगला कमेंट आया जी अविनाश पिल्लई, ग्रेट जॉब, थैंक्स सर, प्लीज मेक वीडियो ऑन मोरेटोरियम आफ्टर लोन डिफॉल्टर, व्हाट बैंक विल बी डू एंड व्हाट ओपिनियन द कस्टमर हैज अप्रोच आरबीआई, कंज्यूमर कोर्ट और अदर। अगर आपको लोन डिफॉल्ट है तो आप मोरेटोरियम फिर भी अपना लोन रिस्ट्रक्चर करवाना चाहते हैं तो आप जो रिजर्व बैंक की 2019 की जून में जो मीटिंग हुई थी उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप अपना रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब है जी सुप्रिया चक्रवर्ती मैम, है सर क्रेडिट ओड हो गया है, इंटरेस्ट वेव ऑफ होगा क्या, क्रेडिट कार्ड पे मोरेटोरियम लिया था 2 मंथ के लिए। ये पूछ रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड पे जो
ब्याज पे ब्याज लगाया है, क्या वो भी माफ होगा? हाँ, निश्चिंत रहिए, वो भी 100% आपका माफ होगा। अगर आपने वो भर दिया है तो 5 नवंबर तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब आगे है जी, अनंता रोए, मेरा 7 महीना हुआ पर्सनल लोन लिया हूँ, 7 महीना ईएमआई पेड किया हूँ, अभी मैं चाहती हूँ कि रिस्ट्रक्चर करने के लिए, लेकिन बैंक वाला बोल रहा है, बोलते हैं कि नहीं होगा, क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ हेल्प। आप उन बैंक वालों ने आपसे वर्बली बोला है, आप क्या कीजिए, बैंक वालों की साइट पे जाके इसको ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, या बैंकिंग लोकपाल के पास भी इनकी शिकायत कर सकते हैं कि ये मेरे लोन रिस्ट्रक्चर के लिए मेरा अप्लाई भी नहीं कर रहे। अप्लाई तो उनको करना पड़ेगा, फिर चाहे वो दें या ना दें। आगे है जी दीपचंद का, सर सबसे बड़ा मुद्दा ईसीएस बाउंस चार्जेस का है, रिटर्न करें, आरबीआई मेरा 13,200 कटा है अभी तक, इनके ऊपर ईसीएस बाउंस चार्जेस के रूप में 13,200 रुपए इनके काट लिए गए हैं। तो इस विषय में मैं आज एक वीडियो बना चुका हूं, आप वो देख लीजिए, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब आगे आ गया जी दीवाल की कंपिल, लाइटिंग होप इन ऑल व्यूअर, होप यूअर वर्ल्ड बिकम ट्रू, 99 नीड मोरेटोरियम टिल दिसंबर 31, थैंक्स सर जी। हाँ जी, इसके बारे में आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे भी लग रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के, जैसे 2 नवंबर की तारीख लगी हुई है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाएंगे लगभग 31 दिसंबर 2020 तक, तो होपफुली के ये एक्सटेंड हो सकता है, मोरेटोरियम सबको मिल सकता है। अब है जी रवि राठा, पुलिस मना कर रही है, हम चाना ने चाप एजेंट, चमन्नी चाप एजेंट के बारे में, हम एफआईआर नहीं लेंगे, लोन लिया तो पेमेंट करना पड़ेगा, क्या करूं? ये मैं इसका जवाब पहले आपको दे चुका हूं, आप इनकी ऑनलाइन कंप्लेंट कर दीजिए, उसी थाने और चौकी में आ जाएगी वो ऑनलाइन, वहां से प्रोसेस हो के जो अभी आपको पुलिस वाले ना कर रहे हैं उनको उसकी एफआईआर लिखनी पड़ेगी, बशर्ते कि आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। सर जी मेरे साथ भी यही हो रहा है, मैं क्या करूं, दिलीप ठाकुर लिख रहे हैं, आप भी वही करो जो अभी मैंने अब आपका जवाब दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।